आपकी गुड मॉर्निंग 10th A and 10th D। लिसन बेटा, पहला पार्ट डिस्कस करांगे साडे सिलेबस दे बारे विच, ठीक है। 10th A थोड़े ग्रुप विच जा चुका है और 10th D आई थिंक थोड़े ग्रुप विच भी जा चुका है, ठीक है। सो काफी सारा सिलेबस जिहड़ा है वो चेंज हो गया, जिहड़ा आपां प्रार्थना चैप्टर रीसेंटली कीता सी वो कट्टिया गया, ठीक है। सो पहला आपां वो डिस्कस कर लैंदे हां, आफ्टर दैट आपां घर दा प्यार चैप्टर दे 15 क्वेश्चन लेखक बारे ही करांगे अज, ठीक है। बाकी आपां सार वगैरह हो गया या क्वेश्चन आंसर्स हो गए, हुण तुहाडी टर्न होया करेगी, मेरी टर्न ही होया करेगी, तुसी बोलिया करना, ठीक है, तुहाडी प्रेजेंटेशन। ओके, 10th ए तुहाडी ज्यादा होया करनी है, इहनां दी घट होया करनी है, ठीक है जी। सो लिसन बेटा, फर्स्ट देखो सिलेबस, टर्म 1 टर्म 2 विच हुण तुहाडा डिवाइड हो चुका है, ठीक है। टर्म 1 40 मार्क्स, टर्म 2 40 मार्क्स, और जिहड़े बी नंबर ने 80 नंबर, ठीक है, ते जिहड़े बी नंबर ने ओह तुहानूं इंटरनल असैसमेंट पीटी 1 दे नंबर, ठीक है, या मल्टीपल जिहड़ा भी होया करेगा ओहदे अकॉर्डिंगली तुहानूं ओह 10 नंबर दे विच डिवाइड होएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पीटी 1 जिहड़ा हुणी तुहाडा हो के हटिया है, ओहदे मे बी 2 या 3 नंबर होणगे, ठीक है। तुहानूं मैं पीडीएफ सारी ग्रुप विच शेयर कीती हुई है, ओहदे विच हर एक चीज क्लीयर कट लिखी हुई है, ठीक है। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਟਰਮ 1 ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। 40 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਪੇਪਰ, ਸਾਰਾ MCQs ਆਏਗਾ। ਹੁਣ MCQs ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਮਾਰਕਸ MCQs ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ठीक है। रीडिंग स्किल थानू आएगी 15 मार्क्स की, ओदे आएगी, हां 15 मार्क्स, ठीक है। आई थिंक मैं पहले ये छोड़ के दो होंगे, राइट, दो होंगे और ये है 5-5 नंबर दे होंगे, 10 नंबर हो गए, ते 5 नंबर का थानू आएगा पार्ट 3 MCQs, क्लियर है। मतलब 5 हो गए, 5 हो गए तो 5 हो गए क्वेश्चन, टोटल 15 फर्स्ट, ओके। सेकंड थानू आएगा ग्रामर पार्ट, ग्रामर के विच थानू आएंगे 10 नंबर, ठीक है, ग्रामर होएगी 10 नंबर दी, जिदे विच होगी समासी, ऑलरेडी आपां कीती होएगी समासी, आंगे थानू 4 ओह आंगा 4 और मुहावरे 2, ठीक है। मुहावरे थानू पक्के तो लेके कग्गे तक आंगे, ते आंगे सिर्फ 2, क्लियर है, 2 ही आंगे, ओके। सो ये हो गया 10 मार्क्स। देन थर्ड देखो, थर्ड पार्ट बड़ा होएगा टेक्स्ट बुक का, पाठ पुस्तक का, ठीक है, ये भी होएगी। हां जी, पाठ पुस्तक आएगी, जिसका थानू 15 मार्क्स थी, राइट। जेदे विच्चों कविता जिहड़ियां सिर्फ 2 रह गईआं ने साडीआं, ये ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਾਰਕਸ, ਮੇ ਵੀ 2 ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ 2 ਦੂਸਰੀ ਦੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਰ, ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਰਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ 5 ਮਾਰਕਸ। देन कहानी, कहानी थोड़ी सिर्फ इको ही रहेगी चरण तीन, ठीक है, 3 मार्क्स, और इकांगी, इकांगी भी रहेगी 1, जफरनामा अर्पित नो 3,
हो गए 40 मार्क्स, ठीक है। वो मैं थोड़ा दस दिया केड़ी केड़ी कविता है ते केड़ा केड़ा वार्तक लिख है, ठीक है। 40 मार्क्स हो गए जी, 10th ए 10th डी डन। कौन चाहिए थानो 10 नंबर ने, मतलब 50 एक ने का 50 दूसरे दे 100 होएगा ता ही, ठीक है। कौन ओदे विचो भी जड़ा तुसी प्रोजेक्ट वर्क कीता, जिन्हें ने किया वो तो ठीक ने, जिन्हें नहीं किया बेटा हाले भी थोड़े को टाइम है, मैनू सेंड करो प्रोजेक्ट वर्क। सबने किया इतने बैठिया ने मैनू प्रोजेक्ट वर्क सेंड, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क के विचों भी आएंगे, कुछ मार्क्स ओदे होंगे, कुछ थोड़े पीटी बांधे होंगे, ठीक है। एक थानू होर स्पीकिंग स्किल वगैरह दी जा सकती है, कोई ना कोई टॉपिक दिता जाएगा ओदे ते बोलना है, ओदे मार्क्स होंगे। ऐसा मिला के 10 नंबर ओदे होंगे ते 40 नंबर एदे होंगे, ठीक है। टर्म वन होगी, टर्म टू जिहड़े 40 मार्क्स ने वो सब्जेक्टिव होएगा थानू, ठीक है। सब्जेक्टिव होएगा वो आप बाद च डिस्कस करांगे, ठीक है, जदों साडी टर्म टू होएगी स्टार्ट। क्लियर है? हुण देखो इहदे विच चैप्टर केड़े केड़े रह गए काव्य रचनावां दे विचों दी, सो क्यों मंदा आखिए ते कृपा करके बख्श लै, जिहड़ा आपां रीसेंटली कीता है, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, वो नहीं आना, ठीक है। वो भी जे नहीं किया तो भी हले रहन दो, जे कर लिया है तो बहुत वधिया गल है। एक मिनट मैं देख लैन दो कि वो टर्म टू च है कि नहीं है, है टर्म टू च है वो, ठीक है। वेट आदित्य तो बाद विच बेटा तुहानू वार्तक घर का प्यार, ठीक है, ते बोली प्रार्थना चैप्टर असी कीता है वो टर्म टू च है, टर्म वन च नहीं है, ठीक है। फिर वनगी दे विचों दी थानू दोनों बुक्स बेटा एक कंबाइन होंगे, साहित्य माला ते वनगी, ठीक है। वनगी दे विचों दी कुल्फी डन, एकांगी जफरनामा डन, ठीक है, समासी शब्द डन, बहुअर्थक और मुहावरे रहते हैं। ऑलमोस्ट साडा सिलेबस जेड़ा है वो कवर हो चुका है, ठीक है। बट हुण आपां की करना है, बहुत डीपली हर एक चीज बारे असी पढ़ना है, ठीक है। हां जी आदित्य, आदित्य क्या है बेटा, तो आज ऐसी करना है घर का प्यार, ठीक है। फेयर कॉपी है तो निकालो, सीट पर तो असाइनमेंट इतने ही खाई जाएगी, तो सी काम ही डबल काम ना कर सको, ठीक है। फेयर कॉपी लेकर आए तो सुबह तक तुझे आना है, अगर इस टाइम थोड़े को नहीं है तो तुझे रखते कर दो, ठीक। अपनी जी कॉपी है असाइनमेंट्स की अलग लगा लो, जी नहीं तो फेयर कॉपी चल रही है वो ही लगा लो, ठीक है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हुण तुहानू देखो घर दा प्यार आपां चैप्टर कीता होया है, सार तुसीं मैनूं सुनाणा है, सार असीं अज नहीं करांगे, अज सिर्फ आपां राइटर बारे पढ़ांगे। और तुहाडा कल टेस्ट है बेटा जिहड़ा कि गूगल फॉर्म ते आएगा, ठीक है। हाँ जी, नहीं 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 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हुण है ही है एमसीक्यूज ही है ना, फिर आपां सब्जेक्टिव लैके की करना, ऑब्जेक्टिव ही होएगा ताकि तुहाडी उस तरीके दे नाल तैयारी हो सके, ठीक है। ओहदे विच बेटा तुहानूं घर दा प्यार चैप्टर आएगा और ग्रामर का थानू जिहड़ा सिलेबस होएगा मैं थानू दस देवांगी, थोड़े ग्रुप विच पा दिता जाएगा, ठीक है। ग्रामर का मे बी समासी शब्द आ सकते नहीं, पर घर का प्यार चैप्टर आएगा ही आएगा, ठीक है, गूगल फॉर्म ते आएगा। और सब ने बहुत ध्यान नाल करना है, पिछली बार की तरह दूसरी आईडीज तो नहीं करना, ओके, ठीक है। तो देखो आप पहला राइटर बारे पढ़ते हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तुसी कीते हुए ने, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपा दोबारा नहीं करने फिर ते, बस तुसे सुनना है। सो पहला देखो, प्रिंसिपल तेजा सिंह का जन्म कदों होया, राइट अ फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्या नोटबुक पे करना है, जन्म प्रिंसिपल तेजा सिंह का जन्म कदों होया, ऑप्शंस बना लो, ठीक है। हुन आपा प्रैक्टिस भी उसे अकॉर्डिंगली करनी है। ऑप्शन पहला लिखो 1890, 1894, 1772,
1996 ठीक है 1894 ओके ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ 1894 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡਨ ਸੇਕੇ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ अगर तुझे पूरा क्वेश्चन की फॉर्म से नहीं लिखना कि प्रिंसिपल तेजा सिंह का जन्म कितने होया बस तुझे लिख लो कल्ला कितने हले सिर्फ हो देखो बच्चे इतने ना थानू थोड़ी बुक उत्ते पिंड है अडियाला जिला है रावलपिंडी जो के पाकिस्तान में है ठीक है कौन सी अगर थानू ऑप्शन के विच अडियाला आ गया रावलपिंडी ना आया फिर तुसी अडियाला चूज करोगे जे अडियाला नहीं आया रावलपिंडी आ गया फिर तुसी रावलपिंडी चूज करोगे कभी भी सेम ऑप्शंस नहीं आ सकतीयां ठीक है एक अद्धी हमेशा जांदी है ऑप्शन दोनों दोनों नहीं आ सकते एना भी नहीं होता ठीक है नहीं तो फिर तुसी कंफ्यूज हो जाओगे केड़ी ऑप्शन सही है राइट सो एरिया ऑप्शंस लिख लो तुसी अडियाला फर्स्ट लिखो अडियाला सेकंड लिखो जलंधर थर्ड लुधियाना अमृतसर हाँ जी डिस्ट्रिक्ट पूछा जावे जिला पूछा जावे फिर तुसी कहना है रावलपिंडी ठीक है हुण ये तुसी पिंड का नाम दसना है सो पिंड का नाम की है अडियाला ठीक है जी हो गया बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन दो क्वेश्चन हो गए बेटा ओके थर्ड लिखो पिता का नाम प्रिंसिपल तेजा सिंह के पिता का नाम ऐसा ही बस लिख लो शॉर्ट में लिखो पिता का नाम ठीक है कोई भी ऑप्शन ले सकते हो बस थोड़ा एग्जैक्ट जरा नेम है वो पता होना चाहिए चाहे थोड़े सामने कितनिया सारी ऑप्शन आ जाए पर तुसी उधर तो सही चुनी ठीक है सो लिख लो पहला लिख लो मोहन सिंह लिखो पलाकर पलाकर नहीं बोलना ठीक है इन्हें बोलना है पलाकर कईयों ने पलाकर पलाकर ही बोली जाना है ओके थर्ड लिखो सोहन सिंह सो राइट वन इज बलाकर ठीक है गुरसेवक सिंह रोल नंबर 17 पहला अपनी वीडियो ऑन करो बेटा ओके हां जी गुरसेवक ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਾਇਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ 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 नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन माता का नाम फोर्थ क्वेश्चन प्रिंसिपल तेजा सिंह के माता जी का नाम ऑप्शंस लिखो बेटा सुरस्ती लक्ष्मी देवी कमला देवी फिर लिखो
कंकॉर्ड। रश्मी, लक्ष्मी देवी, कमला देवी, कंकॉर्ड। पेगा रश्मी। स्पेलिंग एक बार देख ले हो, वैसे तो एटलीस्ट स्पेलिंग का तो कोई रोल ही नहीं रह गया, ठीक है। हाँ सही गल है, राइट। डन जी, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ लिखो। प्रिंसिपल तेजा सिंह ने मुडली विद्या को प्राप्त की। मुडली के नाम कहते हैं स्टार्टिंग वाली प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। प्रिंसिपल तेजा सिंह ने मुडली विद्या किथो प्राप्त की थी। क्लियर है? और सी ए देखने वाले ऑप्शंस टेल लो सारे सी जड़े आप कितने विच लिखे सी, जन्म कितने होया, किथो प्राप्त की सी मुडली विद्या, अपने पिंड विचो दी ते पिंड का की नाम सी रावलपिंडी। ओ ता डिस्ट्रिक्ट सी, पिंड का नाम की सी अडियाला, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जिला की है रावलपिंडी, ते पिंड पिंड विच ही प्राप्त की सी, पिंड विच ही मे बी कोई स्कूल होवे छोटा जिहा, ठीक है। सेम है वालियां अडियाला, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, यही वाली ऑप्शंस लिख लो। सो ऑप्शन इज अडियाला, ठीक है, अडियाला सही होएगा।
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੰਬਈ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਬਈ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਮੁੰਬਈ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੰਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ 11 प्रिंसिपल तेजा सिंह ने किस नाल संबंधित रचना की थी मतलब इन आदि रचनाओं के बीच कौन केड़े केड़े क्षेत्र शामिल सन प्रिंसिपल तेजा सिंह ने किस नाल संबंधित रचना की थी ठीक है ऑप्शन 1 कहानी मतलब ये कहानी के क्षेत्र में किसने ने रचना की थी या एकांगी ने क्षेत्र में या पाठक के नाटक या पाठक के जीवनी और देखो पाठक के स्टाइला ने रचना की थी है ठीक है ये तुसी यही है कि थर्ड ऑप्शन होगी थर्ड ऑप्शन में टिक कर लेना नो नाल नाटक भी लिखा है नाटक पे इन्होंने रची थी ठीक है सो ऑप्शन देखनी है ध्यान नाल वार्तक पे जीवनी ठीक है सो फोर्थ ऑप्शन वार्तक पे जीवनी वार्तक के इन्हें कहते हैं वार्तक के इन्हें कहते हैं बेटा हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हाँ जी वार्तक आप कहते हैं जिस तरह निबंध हो गया लिखता है चाहे पोएट्री विच भी लिखता पर कोई लियात्मकता नहीं होंगी है राइमिंग आप नहीं देखते पोएट्री विच आप राइमिंग देखते हैं पर अजकल की जो पोएट्री है राइमिंग नहीं देखी जाती अजकल खुली पोएट्री का ट्रेंड है ठीक है पर फिर भी आप कि ना कि दुकान वगैरह मिला लेंगे दुकान मिलाया कुछ नहीं होंगे सिर्फ उनके विचार होंगे ने उन्होंने प्रजेंट करना होंगे जिस तरह घर का प्यार देखो उन्हें किन्ने सारे विचार पेश किए ठीक है जीवनी की होंगे हाँ जी किसी बारे लिखना किसी की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी की होंगे स्वय जीवनी अपने बारे लिखना ठीक है सो इन्होंने वार्तक ने जीवनी ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੀ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਕਾਂਗੀਕਾਰ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਆ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਰਚੀ ਹੈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਰਚੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ
कॉमा मार्क लिख लो, ठीक है। नमिया सोचा और लिख लो सहज सुबह करता प्यार, एक ही नदी है स्वयं जीवनी जिसका नाम भी है आरसी। ठीक है, स्वयं जीवनी है आरसी। ओके डन, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। ओके मैम विंग कमांडर। हाँ जी गुड गुड, ठीक है वेरी गुड। हाँ जी अभिनंदन एक कमांडर सी, ठीक है विंग कमांडर सी जो के पाकिस्तान में चल गए से तो उसे उन्होंने कैद किया गया सी, ठीक है आउट ऑफ सिलेबस बट उन्होंने पता होना चाहिए राइट। अभिनंदन क्लियर है। नेक्स्ट लिखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 15 क्वेश्चन बेटा। देहांत कदों होया, मतलब इन्हां दी मौत कदों हुई, देहांत कदों होया। ऑप्शंस लिख लो 1894, 1957, 1950 या 1958। 1894, 1957, 1950, 1958। तो 1958 में इन्हें देहांत हुआ, तो उदो इन्हें उम्र कितनी सी 64 से सामने थे, ठीक है ना। लिख लो देहांत होया। क्लियर बेटा, ये 15 क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी दे लिखने हैं, ठीक है। बाकी जो साडा थर्सडे नो पीरियड होएगा उदो सार तुहाडे कोल ही सुनिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन आंसर्स लिखने की फिर कॉपी की जरूरत नहीं है, तुसी लिखे हुए हैं वन वर्ड नो ही आपा एमसीक्यूज फॉर्म से इदा ही करना है। कोई आपा मतलब दिन दे 10 या 15 क्वेश्चन करया करांगे,
ठीक है एमसीक्यूज पे राइट। हां जी कोई डाउट बेटा, किसी ने कोई डाउट हुए 10th ए एंड 10th डी? और जड़ा थोड़ा कल टेस्ट है मे बी इन्हों ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए राइटर के बारे में भी, ठीक है।